हेलो बच्चा पार्टी, हम लोग आज एक नई वीडियो देखेंगे। नई वीडियो में हम लोग सीखेंगे यार फाइनेंशियल। मैंने एक सीरीज शुरू की थी फाइनेंशियल सीरीज की, फाइनेंशियल एजुकेशन की बच्चों के लिए। तो उसका ये थर्ड पार्ट है। तो पहले पार्ट में मैंने एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके सीखो, और ये सीखना जरूरी है क्योंकि स्कूल में नहीं सिखाया जाता। इसलिए संडे मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो आपके लिए लाया जाए। तो थर्ड वीडियो है, जल्दी से पढ़ाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ है क्या जो सीखने के लिए आज मिलेगा। तो मैंने उसमें बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी पहले वो जाके देख लो, बहुत छोटी वीडियो है। उसमें मैंने बोला था हाउस हमारा क्या होता है, एक एसेट होता है। तो असली में क्या हाउस हमारा एसेट होता है या नहीं होता? एसेट में जल्दी से बताना चाहूँ तो एसेट ऐसा कोई चीज़ जो हमारे जेब में पैसा डाले, ऐसा कौन बोलता है? रिच डैड पुअर डैड एक बुक लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, वो ऐसा बोलते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटीज वो चीज़ होती है जो हमारी जेब से पैसा निकाले। सिंपल डेफिनेशन। अब एक इन्वेस्टोपीडिया साइट है, वेबसाइट है, वो बहुत ज़्यादा किसके लिए, फाइनेंशियल के लिए है। तो वो एसेट की डेफिनेशन कुछ और बोलती है, तो वही क्लियर करने के लिए आपको मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है हर डेफिनेशन सही हो। तो इधर हाउस हमारा एसेट है या लायबिलिटीज है, जानने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टोपीडिया हमें क्या बोलता है, एन एसेट इज अ रिसोर्स। एसेट हमारा क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, ये डेफिनेशन की पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, फायदा कुछ नहीं है, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, वो चीज़ सीखनी जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ बाइक, मैं क्या करूँगा, बाइक मैंने खरीद लिया तो यार उसमें मुझे पैसा लगता रहेगा, मुझे उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा, मेरे जेब से पैसा बार बार जा रहा है। तो मैं क्या उसे, अपनी बाइक को मैं एसेट बोलूँगा क्या? अगर वो बाइक तुम्हारी किसी ऐसी चीज़ को, मान लो मैं बहुत ज़्यादा कहीं जॉब करने जाता हूँ तो मुझे वो बाइक कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाती है कि मेरे लिए वो, मतलब अगर बाइक ना हो तो मुझे किसी धक्का खा के जाना पड़ेगा, बस में जाना पड़ेगा, मेट्रो में जाना पड़ेगा, या ट्रेन से जाना पड़ेगा, किसी भी चीज़ से जाना सकता हूँ। पर अगर बाइक है तो उसकी, बाइक की इकोनॉमिक वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो वो मुझे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। बेसिकली अगर बाइक की बात की जाए तो मुझे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है, तो उसकी हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू देखेंगे। हम लोग उस समय ये नहीं देखेंगे कि वो हमें पैसा दे रही है कि नहीं दे रही, क्योंकि ये भी तो जरूरी है। जैसे अगर मैं बताऊं, जिस फ़ोन से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये फ़ोन क्या कर रहा है? अगर मुझे फ़ोन कमा के देगा तो मेरे लिए ये अच्छा है, ये मैं एसेट बोल सकता हूं। अगर और यही फ़ोन मेरे लिए, मैं कुछ यूज़ कर रहा हूं, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, तो इसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी है। तो हमें इन्वेस्टोपीडिया क्या बोलता है, ऐसी कोई चीज़ जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो, इन फ्यूचर भी जाके उसका रेट बढ़ सके, तो फ्यूचर बेनिफिट कुछ ना कुछ मिल रहा है मुझे। बाइक यार मुझे फ्यूचर बेनिफिट क्या, मुझे ट्रांसपोर्ट इजी कर दे रहा है, जहाँ मैं मेट्रो से जाऊँगा एक घंटा लगेगा, बाइक से मैं आधे घंटे पहुँच जाऊँगा, तो उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि हमें मतलब कोई भी चीज़, वो लोग एसेट कर रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, तो मैंने बताया था अपनी ज़िंदगी में एसेट बनाना, तभी अमीर बन सकते हो, कभी अच्छी लाइफ जी सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती तो उन्हें पता ही नहीं होता एसेट क्या होता है। तो कोशिश करना अपने लाइफ में कि एसेट बनाना। जैसे इस टी शर्ट की बात कर लूँ, इसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है ना, ये मुझे मेरे शरीर को ढक रही है, मुझे एक अच्छा दिखा रही है, तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ये मुझे कमा के नहीं दे रही तो मैं ये नहीं बोल सकता ये मेरे लिए एसेट नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था हम लोग सब चीज़ को एसेट नहीं बना सकते। तो इन्वेस्टोपीडिया ने एक डेफिनेशन बता दी कि इकोनॉमिक वैल्यू भी एक इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, एसेट के लिए। रिच डैड ने इसका इस डेफिनेशन को किसी और से लिया है, मतलब किसी और तरीके से बोला है कि ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले वही एसेट होती है। तो जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं उनने ऐसी डेफिनेशन दी कि ऐसा कोई चीज़ जो हमारी जेब में पैसा डाले, और इन्वेस्टोपीडिया ने ऐसे बोला कि इकोनॉमिक वैल्यू दे हमें इन फ्यूचर में या अभी जो हो रहा है। तो ये दो डेफिनेशन थी। तो इसके कंपेयर में अगर मैं बोलूँ हाउस हमारा एसेट है लायबिलिटीज़ है, तो हाउस हमारा, अगर हाउस हमने बनवा लिया, जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया था, मैं जिस घर में रह रहा हूँ मैंने अपर फ्लोर क्या कर रखे हैं, रेंट पे दे रखे हैं, तो उसका मुझे पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिल रहा है मतलब वो मेरी जेब में पैसा भी डाल रहा है, और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है कि वो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एसेट कहलाया जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो और वो तुम्हें पैसा भी कमा के दे रहा हो, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो सबसे अच्छा एसेट है तुम्हारे लिए। तो एसेट की दो डेफिनेशन, रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से ऐसा कोई चीज़ हमारे जेब में पैसा डाले, और इन्वेस्टोपीडिया के हिसाब से उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए इन फ्यूचर भी और अभी भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा हाउस हमारा एसेट है या लायबिलिटीज है। तो कोशिश करना जिंदगी में एसेट ऐसे बनाने की जो इन दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें। और चलो फिर मिलते हैं, ऐसे संडे मैं एक नया लेक्चर लाऊंगा आपके लिए, और छोटी छोटी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछो और मैं जल्दी से रिप्लाई करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर ये नहीं समझ आया है तो पहले आप एक बार जो फाइनेंशियल सीरीज़ है चल रही है
बहुत छोटी छोटी वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आपको टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी से नॉलेज ले सको, क्योंकि जरूरी है। अपने इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज कम है, अब लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना आप बच्चों को अभी से सीखना शुरू कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।